सुनिए, इतना खा खा कर डकार मार रहे हैं, कितनों को उड़ाने का इरादा है आपका? हाँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो भाग्यवान? वो आज कातला मच्छी के कुछ 40-50 सर चबाकर खा गया ना, शायद इसीलिए थोड़ा प्रेशर बन गया था। हाँ, तो अब मेरा भी सर चबाकर खा जाइए। आपको कुछ खबर भी है कि हमारे खेतों में फसल का क्या हाल हुआ है, बताइए जरा। क्या 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 हुआ है, नई सब्जी आई है क्या? वैसे कोई अनाज दे जाए तो मुझे देना भूलना मत। चलो मेरे लिए तुम लोगों को कुछ फल तो मिल गए। कार्यक्रम में अब बस 7 दिन ही बचे हैं, अभी तो कोई योजना नहीं बना पाया। क्या बुढ़ाओं, इस बार लड़ने कौन आ रहा है? एक कुश्तीबाज आ रहा है पंजाब से, ब्रजभूषण। कुश्तीबाज ब्रजभूषण पंजाब से? हाँ हाँ। सुनो, इस बार उस कुश्तीबाज को मत बुलाओ। क्या मतलब? मत बुलाओ कह दिया ना, अब इसका मतलब क्या है? पर बुआ, एक महीने पहले आप ही ने तो उसे बुलाने के लिए कहा। तब कहा था, अब मना कर रही हूँ। ए, और तू मुझसे बहस कर रहा है? सुन बुढ़ाओ, अभी भी इस मकान की मालकिन मैं ही हूँ, समझे? अगर चाहूँ तो मैं तुझे अभी गर्दन पकड़कर बाहर निकाल सकती हूँ, समझ ले? ये लो, अरे बुआ, आप हमेशा मुझे ऐसे धमकाती क्यों रहती है? आप बताइए तो सही, लाना किसे है ये बताइए ना। किसे लाना है तो सुन, सबके मुँह पर लगाना है ताला। और सुन ले, इस बार आएगा सुमो खिलाड़ी फ्यूचियामा। ठीक है, ऐसा ही होगा। 7 दिन बाद गांव में फ्यूचियामा ही आएगा, पर अगर उसे कोई हरा नहीं पाया तो इस राज घराने की मान मर्यादा का क्या होगा, बताओ? इस बार तो खेती के लिए रुपए देने होंगे भाभी, हमें भी तो अपना पेट भरना पड़ता है। मैं क्या जानबूझकर नहीं दे रही? इन सबको बेचकर मैं घर में कुछ पैसे ला पाऊं, इसका भी कोई उपाय नहीं है। खाओ खाओ, तुम लोग भी खाओ, देखना खाने से शरीर में बहुत ताकत आती है। अरे नहीं 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 नहीं, पहले हमें हमारे पैसे दे दो। पैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, एक हफ्ते में दे दूंगा। ठीक है तो ठीक है, पर अगर उस दिन नहीं दिए तो कुछ ना कुछ फैसला करना होगा। हाँ, से प्रैक्टिस करो, गांव के सम्मान में आंच नहीं आनी चाहिए, कह देता हूं। अरे कैलाश, तुम तुम्हारा चेहरा तो दिन पर दिन बड़े ढोल की तरह फूलता जा रहा है, कसरत वसरत किया करो वरना आप फट जाओगे तुम, समझे? सुनिए तो, या पूरा दिन मिट्टी में क्या करते रहते हैं जरा बताइए तो? जब भी घर लौटते हैं तो आपके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी रहती है। वो कुछ भी नहीं, वो दरअसल जब नींद आती है ना तो मैं मैदान में ही सो जाता हूँ, इसलिए मिट्टी लग जाती है। वही तो खाना और नींद, इसके अलावा और कुछ भी किया है क्या आपने? सुबह सुबह मैंने बस कुछ 200 पूरियां खाई हैं, लगता है मेरा पेट भरा नहीं है और भूख लगी है। अरे मेरी किस्मत। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, दूर देश जापान।
कमान से पहाड़ जैसे सुबो खिलाड़ी फुजीयामा। गांव के कुश्तीबाज फुजीयामा को हराकर हर बार की तरह अपना वर्चस्व बचा पाएंगे या नहीं, जो उसे हरा पाया उसे 1,00,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। अब बस हमारे पास 2 दिनों का समय है, मिलेंगे हम गांव के मैदान में और हमारे साथ होंगे फुजीयामा। आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे दानव जैसे इंसान को बुलाने की क्या जरूरत थी, इसे तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। हमारे गांव का नाम डूब जाएगा बुआ, डूब जाएगा हमारे गांव का नाम। हराएगा, हराएगा, इसे जरूर कोई हराएगा। इस बार कमजोर लोगों को जीतने के बाद गांव की इज्जत तो सच में बच जाती है, पर उसमें हमारा गर्व कितना बढ़ता है वो मुझे नहीं पता। इस बार मैं चाहती हूँ कि पूरे गर्व के साथ पूरा गांव सर ऊंचा करके खड़ा हो, और उसे बचाने के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, देख लेना। क्या कोई है जो इस पहाड़ से टकरा सके? है क्या कोई? अगर जीत गए तो उसे मिलेंगे 1,00,000 रुपए। क्या है कोई? कोई है ऐसा जो लड़ेगा? ये मोटा लड़ने चला है, इसकी तोंद ही ना फट जाए, अगर फट गई ना तो सिर्फ खाना ही खाना बाहर आएगा। आश्चर्यजनक बात, अब फुजीयामा के विरुद्ध लड़ेंगे कैलाश। सब गया, पूरे दिन जो जरा भी हाथ पैर नहीं चला था वो चला है फुजीयामा के विरुद्ध लड़ने। कोई है क्या? बचाओ उसे, बचाओ। अरे लड़ने दो, लड़ने दो ने। ये तो मूली खा रहा है बुआ। देख रहे हैं कि कैलाश अभी मूली खा रहा है, और ये उठ खड़ा हुआ फुजीयामा। फुजीयामा उठकर खड़ा हो चुका है और वो कैलाश की तरफ बढ़ रहा है। को हरा कर गांव का सम्मान बरकरार रखने के लिए 1,00,000 रुपए का पुरस्कार देंगे हमारे मुखिया जी और सम्माननीय बुआ जी। कैलाश, ओ कैलाश, अरे तुम कहाँ जा रहे हो अब? मैं वो थोड़ा शरीर गर्म करने आया था, अभी तो असली काम बाकी ही है। अरे कैलाश, ये तो हमारे राजघराने का 300 साल पुराना तोप है, इसका तुम क्या करोगे बेटा? बताओ तो, ये यहाँ कहाँ से? उस दिन एक चिड़िया ने ये अंडे दिए थे जो तोप की कमान से जाकर इस गड्ढे में गिर पड़े थे। मैं रोज आकर देख जाता था, आज इन अंडों से फूट कर बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए सोचा कि अब तोप को हटाना पड़ेगा। इसीलिए शरीर को गर्माने के लिए फुजीयामा का पैजामा पहन लिया। अब वो क्या चमक रहा है? अरे ये तो हमारे राजमहल का खजाना है, खजाना। मैंने सुना था कि इस तोप में ही छुपा है खजाने का रहस्य, पर वो इस तरह से रखा हुआ है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैलाश, ये तेरे लिए ही है बेटा,
तू ही रख ले। मैं ये सब लेकर क्या करूँगा? मेरी पत्नी को 2-4 दे दीजिए, जिससे कि वो मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिलाए और मेरी जमीन में काम करने वालों का 1 रुपया चुका पाए। बाकी के पैसों को आप गांव के अच्छे काम में लगवा दीजिए। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के भी खाने पीने की व्यवस्था करा दीजिएगा। उन्हें भी तो खुशी से जीने का मन करता होगा ना। जी सुनिए, आज मुझे ना आप पर बहुत गर्व हो रहा है। Ha 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 ha!